सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित अंतर सीमावर्ती सहयोग कार्यशाला को संबोधित किया और बाघ संरक्षण हेतु आयोजित इस कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदों और प्राचीन ग्रंथों की चर्चाओं में भी बाघ का वर्णन मिलता है, जिसके बाद अपने देश में 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए सेव टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जंगल संरक्षित रहे, शेर को, टाइगर को जंगल के अंदर ही वो जो चाहता है वो उसे मुहैया हो जाए, उसे बाहर आने की नौबत ही ना आए, और अगर बाहर आएगा तो उससे हमारे ह्यूमन बीइंग को नुकसान होगा। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी वक्त बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यही कारण है राकेश टिकैत के द्वारा जगह जगह मीटिंग कर किसानों को संगठित रहने का फरमान जारी किया है। संगठित हो और आने वाले टाइम पे कभी भी आंदोलन की घोषणा हो सकती है, उसके लिए लोग तैयार रहे हैं। 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं अब चीज़ों, और आप खाद बीज महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, फसलों के दाम नहीं मिलते, तो बड़ी समस्या है किसान भाई। सरकार का भी तो कोई काम है ना, बीच में सरकार का भी तो काम है, जिम्मेदारी तो उसकी है। मंडियाँ बंद कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बिहार पूरा बंद कर दिया, ऐसे ये मंडियों की जगह यहाँ पे बेच रहे हैं भाई। सरकारों का काम है कि वे कानून बना दे तो सिस्टम अपने आप सुधर जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों के संबंध में अटल सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार द्वारा 100 दिन में कराए गए विकास कार्य गिनाए और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। वहीं इस मौके पर भाजपा विधायक और नेता मौजूद रहे। के अमृत महोत्सव वर्ष में सेवा, सुशासन और सुरक्षा के लिए समर्पित जो लक्ष्य 100 दिन के लिए लिया गया था, उसको 100% से ऊपर पूरा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बदायूं जनपद में विकास कार्यक्रमों की और कार्य योजनाओं को निश्चित रूप से धरातल में पूर्ण कराया है और जनता को उसे निश्चित रूप से लाभान्वित और लाभ मिल रहा है। गाजियाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट ने थाना विजयनगर पहुंचकर शासन के निर्देशानुसार त्योहार रजिस्टर चेक किया, जिसके बाद थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत अन्य स्टाफ से वार्ता में बताया कि आने वाले मुहर्रम पर जिस रास्ते पर ताजिया निकलना है उन रास्तों पर सुरक्षा के सभी इंतजाम और मानक पूरे कर लिए जाए। शासन की तरफ से और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आने वाले जो समय में है कुछ त्योहार आ रहे हैं, जिसमें हमारे मुहर्रम हैं और रक्षाबंधन हैं और जन्माष्टमी है, इसके लिए सभी त्योहारों का जो थाने में त्यौहार रजिस्टर होते हैं उसको अवलोकन करने के लिए मैं आया हूँ। कहाँ कहाँ पर ताजे निकलेंगे, क्या उसकी गाइडलाइन होगी, कितनी ऊँची हाइट होगी, क्या तैयारी है, कोई विवाद तो नहीं है, जो जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन कराने के लिए मैं यहाँ पर SHO से मिलने के लिए आया हूँ, और यहाँ पर जितने SI उनके साथ वार्ता की जाएगी। अलीगढ़ में सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा को तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ITI के छात्रों को सरकार लगातार टैबलेट वितरित कर रही है, जिससे अच्छे से शिक्षा हासिल की जा सके और साथ ही समय समय पर आधुनिकता का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
आज नगला पड़ता CGS प्राइवेट ITI में टेबलेट वितरण किए गए। 70 विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण किए गए थे और नई तकनीकी से विद्यार्थियों को बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये टेबलेट वितरण कराए हैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो और मैं विद्यार्थियों से यही आशा करता हूँ नई तकनीकी से अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। 70 बच्चों को जो है हम लोगों ने सभी ने मिलकर जो है टैबलेट बांटे हैं और इनसे उनकी जो तकनीकी जो उनकी जो भी ट्रेनिंग वो ले रहे हैं या जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उसमें काफ़ी उनको मदद मिलेगी उनकी पढ़ाई में भी और आगे जो भी वो टेक्निकल वर्क करें चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे फिटर हो या जो भी वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको निखार आएगा। खबर अमेठी से है जहां राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी के बाद हुए बवाल को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें प्रदर्शन के दौरान हाईवे को जाम करने को लेकर पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई की और जेल भेजा। जिस तरह से कल संसद में स्मृति ईरानी जी ने अपने पाप की कमाई को लेकर जो अपनी बेटी को हथियार बनाया उससे अवैध शराब अवैध बीफ और अवैध सुअर का मांस बेचवाया उस पाप से बच सकें उन्होंने अमर्यादित बातें कही हैं। सोनिया जी के सम्मान में चिल्लाने का दुस्साहस किया है उस सोनिया गांधी जी के सामने जो एक प्रधानमंत्री की और एक शहीद की बहू हैं और एक प्रधानमंत्री दूसरे शहीद की पत्नी हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है मर्यादा दी है संस्कार दिए हैं एक माँ के रूप में एक पत्नी के रूप में एक बहू के रूप में। मुझे लगता है जिन्हें संस्कार नहीं आते उन्होंने अमर्यादित तरीके से जो बात की है कांग्रेस पार्टी सड़क पर निकल कर ये बताना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी के पाप को छुपने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हसीब पर कारोबारी को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। अब्दुल हसीब ने लेदर कारोबारी के मोबाइल में बकरे का हलाल करते हुए वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि अब्दुल हसीब के भाई और गुर्गो ने कारोबारी के घर पहुंचकर भी उसे धमकाया था। वहीं शोएब का कहना है हमने अब्दुल हसीब के खिलाफ तहरीर दी थी पुलिस ने जाँच करने के बाद आज मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर कानपुर से है जहां कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस मनमानी कर रही है। वहीं ग्रामीणों के आरोप है कि पुलिस फर्जी तरीके से पकड़कर परेशान कर रही है और फर्जी ATM हैकर बताकर ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लेती है। सर समस्या इतनी बड़ी है कि नरवल थानापुर आ गए और घर में लोगों को उठा ले जाती मार जाती और पैसे मांगती अपना खुद का कार लगा के लड़कों को बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। आपसे क्या आप बच्चे उठाया गया है आपसे क्या कुछ ऐसी कुछ डिमांड हुई या फिर आज SP आउटर के पास आप आए थे आज आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि उसकी तुरंत कल छोड़ा जाए और अच्छी से अच्छी कार्रवाई SSP ऑफिस से मिला है। मैं वही सामने खड़ा कर सुना था माता जी ने एप्लीकेशन दिया इनके कोई नहीं सुनी गई है। अरे यही सर कि हम लोग पैसा एक कब जोड़ के कमाते हैं उसके बाद जो पुलिस आती उठा ले जाते ऑटोमेटिक ऐसे फालतू में क्या किस उठाती है तो क्या है कैसे डिमांड करती है कैसे डिमांड तुमने पूरी की और आज तुम नरवल थाने से जो है कैसे छूट के आए हो यहाँ पे SP आउटर क्या पैसे दूसरे से मांग के उसके भैंस बेचा उसके बाद वही पैसा जमा करके तभी इधर आए। कितने पैसे की डिमांड आपसे हुई थी वहाँ पे? 60,000। किसके माध्यम से 60,000 रुपये आपने दिए थे नरवल पुलिस को? दादा हमारे बोले थे दादा दिए थे। खबर संभल से है जहां थाना धनारी क्षेत्र के गांव खलीलपुर में लगने वाली साप्ताहिक बाजार परिसर में बबराला निवासी एक युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई जिसके बाद युवक की पहचान जेब में मिले आधार कार्ड से की गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज धनारी थाना क्षेत्र के खलीलपुर ग्राम के पास में जाने वाले मार्ग के पास में एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है उसकी पहचान कराने का प्रयास किया गया और उसमें उसके पास से दस्तावेज मिले हैं एक आधार कार्ड मिला है उसके अनुसार संभवतः शिव कुमार पुत्र श्री राम रतन सिंह यादव मोहल्ला बबराला के रहने वाले हैं। बाकी अभी जाँच की जा रही है और जो भी
तहरीर आती है कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है, इसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की। खबर संभल से है, जहां अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें, जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को आदेशित किया था कि जनपद में किसी भी दशा में अवैध खनन ना किया जाए, और अगर खनन माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे तो इनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराई जाए। बुलंदशहर में बारिश से सड़कों का बुरा हाल है, जहां खानपुर कस्बे के गांव गेसुपुर में मेन रोड पर बारिश होने के बाद कीचड़ से गुजरने को मजबूर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो साफ तौर से परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कीचड़ और सड़क पर गड्ढों की वजह से कई वाहन चालक भी चोटिल हो गए हैं, तो वहीं कुछ कीचड़ में फंस गए हैं। हालांकि गाँव के मेन रास्ते पर जल भराव की समस्या को लेकर गाँव के कुछ लोग, ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी या ग्राम प्रधान सुनने को तैयार नहीं है। अयोध्या में सरकारी महकमे के खेल भी अजीब है, जहां आदमी भले ही वजूद में हो मगर तहसील के जिम्मेदार कर्मचारी उसे कब कागजी तौर पर मृत घोषित कर दे, इसका कोई अता पता नहीं। ताजा मामला अयोध्या जिले के तहसील बीकापुर के विकास खंड तारुन अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भद्रा खुर्द का है, जहां ग्राम पंचायत भद्रा खुर्द निवासी बुजुर्ग महावीर ने उपजिलाधिकारी बीकापुर के समक्ष पेश होकर खुद को जीवित होने की गुहार लगाई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर के सेक्टर 23 में नक्षत्र ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके बाद SP ने बताया कि शुभम नाम का एक युवक ज्वेलरी की शॉप पर जाकर ज्वेलरी देखने लगा, और देखते ही देखते शुभम चेन लेकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 सोने की चेन बरामद की गई। संजय नगर चौकी क्षेत्र में नक्षत्र ज्वेलर के यहाँ घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति वहाँ पर रखी हुई 3 चेनें उठा के भाग गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है, 3 चेनें बरामद हो गई हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त का नाम शुभम चौधरी है, जो कि ग्राम सदरपुर का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है और इसने BCA कर रखा है। पूछताछ में इसने बताया कि इसने घटना अपने उधार को चुकाने के लिए करी थी, ये ऑनलाइन सट्टे का आदि है एवं इस पर काफ़ी उधार हो गया था। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां कटरा बिलहौर हाईवे पर गंदे पानी को लेकर कांवड़ियों ने जाम लगाया। लगभग 1 घंटे तक जाम से पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया, जिसके बाद सड़क साफ कराने के बाद भी कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ। मार जब आए थे यहाँ पे एक टैंक लगा हुआ था, कुछ कांटे पड़े हुए थे, उसके बाद पानी गंदा निकल रहा था, तो हमारी कांवड़ यात्रा में खूब लगी थी। हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया, उसके बाद 15 मिनट में आ गए और सफाई करवाई, हम लोगों ने नारेबाजी भी की। गंदगी को लेकर आप लोग 15 मिनट से यहाँ ठहरे हुए हैं? 15 से नहीं, आधा एक घंटा हो गया। आधा एक घंटा लगभग हो रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लखीमपुर खीरी से आए। बुलंदशहर में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश डालने गई महाराष्ट्र पुलिस को ग्रामीणों ने बदमाश बताकर हमला कर दिया। आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। ग्रामीणों ने पुलिस के प्राइवेट वाहन में भी तोड़फोड़ की, साथ ही पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट भी हुई। इस दौरान हालात ऐसे बेकाबू हुए कि महाराष्ट्र पुलिस के खेतों में छुपकर जान बचानी पड़ी। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हुआ जी, प्रधान जी घर में घुस गए आके, और हमने पूछा भाई आप ऐसे कैसे घुस रहे हो, और प्रधान जी में धक्का मारा और एक बच्चा था छोटा उसमें जो उसके पिस्टल लग दी। भाई कौन हो भाई? तुरंत मेरे यहाँ एक ने पिस्टल मार दी और फिर फायरिंग खोली, एक फायरिंग साइड में कर, एक साइड में कर, और एक उस बच्चे की साइड में लग सी, और तुरंत फिर पब्लिक चावलंग से आ गई और ये चावलंग से घेर लिए, फिर पुलिस बुला ली। पुलिस ने जो कोई अभी कार्रवाई नहीं करी है। उन्होंने मैंने जाकर देखा गांव में, तो उन्होंने 4 लोगों ने गोली चलाई मेरे लड़के पे, मेरी घरवाली पे गोली चलाई, मेरा लड़का बाल बचा है। गोली पुलिस ने चलाई? पुलिस ने नहीं, वो 4-5 लोग और अदर लोग थे कोई दिल्ली के, उन्होंने गोली चलाई। पहले भी 2 महीने पहले वो गांव में आए थे, पहले भी उन्होंने गोली चला करके लूटपाट करी थी, जिसको मैंने वो पकड़ कर बैठाए थे अपने घर पर, और 60,000 रुपये उनसे मैंने वसूले थे, लिए थे उनसे। और ऐसो अब उस समय दरोगा जी अशोक कुमार जी गए भी थे, और उन्होंने मौके पर मैंने उनको छोड़ कर भेजा था उनके साथ,
और वे भागे थे उस समय भी, और आज भी जो बम्बई के जो पुलिस वाले जो सादा वर्दी में है वो अब भी इस बात करें कि गोली इन्होंने चलाई थी, 4 राउंड की गोली चलाई थी, और वो अदर लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है मेरे घर पर जाकर। अब तहरीर के लिए बोला है, मैं तहरीर दे रहा हूँ। ये मामला हुआ, आए थे ये घर पर, आए थे घर पर कोई नहीं था, मैं अकेली थी। कौन लोग आए थे? ये जो है कौन लोग, मतलब ये पकड़ने वाले, एक आदमी को उठाने के लिए वो यहाँ पे है रही, हाँ नहीं वहाँ पे घर पे। मैंने मना भी करी था, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे क्यों भर रहे हो? तो उन्होंने मेरे कट्टा रख के नहीं है और मुझसे गाली वाली दे डा के नहीं, मुझे अलग कर दिया उस वहाँ से आगे। पूरे घर पे कारस्तानी करी, सुबह में तोड़ फोड़ करी। अच्छा, कोई फायरिंग वगैरह हुई क्या कुछ? हाँ, 5 फायरिंग हुई है। ये वहाँ से महाराष्ट्र पुलिस में एक कोई फर्जी वेकेशन का मुकदमा कायम था, जो बता रहे हैं, के द्वारा बताया जा रहा है कि पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट का मुकदमा था। उसमें एक अभियुक्त को सूचना इन लोगों के पास ये थी, किलना गांव में है, उसी सूचना पर उनके एक एसआई और एक आरक्षी और इस कुछ इन्होंने प्राइवेट आदमी अपने साथ ले लिए थे पहचान के लिए, ये लोग गाँव में गए थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान के घर पर ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर पर मुलजिम इन लोगों के द्वारा पाया गया और उसको ये लोग जब लेने की कोशिश किए हैं, उसी दौरान इन लोगों की वहाँ पर विवाद हो गया है। उस विवाद में जो एक प्राइवेट व्यक्ति है उसके द्वारा फायरिंग करने की बात बताई जा रही है। इसकी छानबीन आगे की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। खबर फरुखाबाद से है, जहां पूर्ति निरीक्षक के ऊपर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई, जिसके बाद अचानक हुई फायरिंग से डर कर पूर्ति निरीक्षक और नायब तहसीलदार ने कमरे में छिपकर किसी तरह जान बचाई। फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू की। खबर फरीदाबाद से है, जहां गर्लफ्रेंड से दूसरे युवक से दोस्ती के शक में घर के बाहर गोलियों से भूनकर युवक की हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये 21/7 को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि छैंसा गांव के अंदर राहुल नाम के व्यक्ति की जो है सुबह 6:15 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके और मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद श्री विकास अरोड़ा जी ने इसके अंदर तीन टीमों का गठन किया था, जिसके अंदर क्राइम ब्रांच DLF, बॉर्डर और क्राइम ब्रांच 65 तीनों ने इकट्ठे इसके अंदर काम करते हुए रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।